हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अदालती हुकुम पर इंतजामिया का एक्शन, फैजाबाद धरने के खिलाफ ऑपरेशन, धरना मुंतशिर करने की कोशिश पर मुजाहिरीन का बलवा, एक पुलिस अहलकार शहीद, झड़पों में सिक्योरिटी अहलकारों समेत दर्जनों अफराद जख्मी, मुजाहिरीन ने पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी, मेट्रो स्टेशन में तोड़फोड़ की, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार, बाद से असलहा और कुल्हाड़ियां बरामद, आज न्यूज की टीम पर भी हमला, DSNG पर डंडे बरसाए। धरने वालों ने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में भी मुख्तलिफ मुकामात पर रास्ते अवाम के लिए बंद कर दिए। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, शारा फैसल पर मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग, हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरीन ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बन गए। वजीर आला सिंध की रास्ते क्लियर कराने की हिदायत। लाहौर में भी मुजाहिरीन की हंगामा आराई, थाना शादरा में तोड़फोड़, मोटरसाइकिलें जला दी, पुलिस ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को धर लिया, रास्ते बंद, बच्चे और खवातीन शदीद परेशान। मसला ये है, मैं जाना है गुजरा वाले, तो मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ, तो मेरे वजन भी, मैं कहाँ जाऊँ? हमारा क्या कसूर है, हमें किस चीज की सजा दे रहे हैं भाई? हम घर से जब बाहर निकलते तो हमारा कोई काम होता, मसला होता, हजारों करोड़ किस्म की परेशानियाँ होती है, तो हमारे रास्ते रोजाना क्यों बंद होते हैं? ओकाड़ा, फैसलाबाद, गोजर खान और गुजरावाला में भी धरने वालों ने रास्ते आवाम के लिए बंद कर दिए, लोगों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना, पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। धरना मुजाहिरीन के बलबे के बाइस रावलपिंडी में नेशनल T20 कप के दोनों सेमीफाइनल मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में होगा, पेमरा ने मीडिया को फैजाबाद ऑपरेशन की लाइव कवरेज से रोक दिया। पेशावर के बाद कोयटा में भी दहशतगर्दी, कमांडेंट FC की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला, 4 अफराद जाबहक, 6 FC अहलकार समेत 25 जख्मी, कमांडेंट FC गाड़ी में मौजूद नहीं थे। शवाहिद से धमाका, खुदकुश लगता है, DIG कोयटा अब्दुल रजाक चीमा की मीडिया से बातचीत, कहा दहशतगर्दों से डरकर घरों पर नहीं बैठेंगे। सरफराज बुक्टी का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए, फोरेंसिक तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। आईनी इस्लाहात बिल पर असेंबली से गैर हाजिर अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में गौर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब भी शरीक, नए वजीर खजाना की तायुनाती पर भी सलाह मशवरा, मुकदमात से मुतालिक अमूर का भी जायजा। शरीफ खानदान पर एहतसाब का शिकंजा मजीद तंग, सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस को दोबारा खोलने की नैब दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील, समाअत 28 नवंबर को होगी। कराची में मजीद तरक्याती काम कराए, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजीर बल्दियात, जाम खानशोरों को हिदायत, 12 किलोमीटर तवील हब रिवर रोड का इफ्तिताह कर दिया, कहा अवामी मसाइल पर भरपूर तवज्जा दे रहे हैं। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, स्कर्दू में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया, पंजाब के मैदानी और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध की पेशगोई।